हेलो क्लास सिक्स स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और मटेरियल रिमेन्स ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता था कि हमें इससे क्लूज मिलते थे, जो भी पुरानी मटेरियल है या जो भी लोग पीपल जो भी थे पास्ट में रहते थे, सच एज बिल्डिंग हाउसेस पॉट्स एंड पेंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन टूल्स, ज्वेलरी, राइटिंग ऑन स्टोन वॉल्स एंड पीसेज ऑफ मेटल प्लेट्स। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की वजह से हमें पास्ट के बारे में पता चलता था। एंड फूड रिमेन्स हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। ठीक है, हमें पास्ट के बारे में पता चला। इवन इन द एब्सेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स इवन ब्यूरियल साइट्स आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अगर भले ही रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे फिर भी हमें क्या मिला, इवन हमें भी तब भी पुराने हिस्ट्री के बारे में पता चला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और जैसे कॉइन्स, टूल्स, मॉन्यूमेंट्स की वजह से। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स। अब जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थी वो हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेन इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स। इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स के बारे में पढ़ा हमने। इंस्क्रिप्शन आर रिटन एंग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, केव वॉल्स, वॉल्स ऑफ फोर्ट्स, पैलेसेस एंड टेम्पल्स एंड ऑन क्ले एंड कॉपर टेबलेट्स। अब क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या था कि रॉक्स के ऊपर एंग्रेव, मतलब हम रॉक्स के ऊपर निशान बना देना, रॉक के ऊपर रॉक से ही लिखते थे पुराने जमाने में, कोई पॉइंटेड पेनी ऑब्जेक्ट से लिखते थे। ओके, सो फिर आगे पढ़ते हैं हम। इंस्क्रिप्शन टेल अस नेम्स ऑफ किंग्स, द पीरियड ऑफ देयर रीजन, द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर एंड द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन। तो क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताता था कि किंग्स का नेम्स बताता था, पीरियड ऑफ, एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, कि वो कब तक एम्पायर में रहे, कितना उन्होंने रूल किया, उनके इवेंट्स के बारे में बताता था क्या क्या हुआ उनके टाइम में। दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी एज वेल एज द रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल। अब इससे हमें क्या पता चलता था इंस्क्रिप्शन की वजह से, जो लोग पिलर्स और रॉक्स पे लिख देते थे, काफ्स पे लिखते थे, काफ वॉल पे, कि उनके रिलीजियन सोसाइटी रिलीजियस के बारे में पता चलता था, वो कौन सा कल्चर प्रैक्टिस करते थे, क्या वो प्रैक्टिस करते थे, ये सारी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई और सोसाइटी, उनके सोसाइटी के बारे में भी पता चलता था। फिर थर्ड पॉइंट है, इंस्क्रिप्शन आर रिलायबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एज दे कम टू अस इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो एक रिलायबल सोर्सेज है, ये हमें कौन सी ओरिजिनल फॉर्म में मिले इंस्क्रिप्शन। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एन एपिग्राफी, इसे कहते हैं हम एपिग्राफी। अब देखिए, कनेक्ट टू हिस्ट्री, पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना, सी मतलब सिरका, आपको पता ही है, लगभग अप्रोक्सीमेट 2 BCE, 2 BCE मतलब सी से 2 साल पहले, हाउएवर बिफोर कॉमन एरा होता है ये। हाउएवर पीपल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंटिन्यू टू यूज द ट्रेडिशनल मटीरियल सच एज पाम लीव्स फॉर मैनी सेंचुरीज। पेपर एंड प्रिंटिंग बिकेम कॉमन ओनली अबाउट 200 ईयर अगो, 200 साल पहले ही अभी से प्रिंटिंग का कॉमनली यूज होना स्टार्ट हुआ। ओके, अभी एनालिसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ये आपको खुद करना पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं आपको कवर नहीं करा सकता क्योंकि हम पे भी लिमिटेड टाइम है, ये आपको खुद स्टडी करना है। मॉन्यूमेंट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर नोन एज मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या होते थे, ओल्ड बिल्डिंग होती है जो हमें हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, देयर सोशल लाइफ, रिलीजियस बिलीफ एंड कल्चर। हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनकी सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है, उनके रिलीजियस, सब अपने अपने रिलीजियस के हिसाब से अपनी अपनी मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग बनाते थे, उनका कल्चर क्या था। द एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो, हरप्पा एंड अदर नियर बाय साइट्स हैव प्रूव दैट अ ग्रेट सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन इंडस वैली अबाउट 5000 ईयर अगो। अब इससे क्या पता चलता है, जो मोहनजोदारो और जो हरप्पा एंड अदर नियर बाय जो साइट्स हैं हमारी इंडस वैली के पास,
उनके सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, वो लोग कैसे रहते थे, क्या कैसे वो उनका रहना था, खाना पीना पहनाव, ये सब पता चलता है। ये सब कब था? 5000 ईयर अगो में। ओके, द रुइंस ऑफ टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेस, स्टूपास एंड द रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आर सम मॉन्यूमेंट दैट मेक द पार्ट इंटरेस्टिंग। अब जो हम आजकल हम फोर्ट्स पे जाते हैं, देखो जैसे आपको पता होगा रेड फोर्ट हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, ओके, और कहते हैं टेम्पल्स, पुराने पुराने बहुत पुराने टेम्पल्स हैं हर जगह, पैलेसेस हो गए। अब जयपुर में पैलेस है, अमर फोर्ट है, पैलेस है वहाँ पे, ग्वालियर में जयविलास पैलेस है और ग्वालियर का किला भी है। तो ऐसे ही इन चीज़ों के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के बारे में हमें इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती हैं कि कौन कैसे लड़ा था। झांसी की रानी ग्वालियर के किले पर लड़ी थी, ठीक है, और उनका रहना, लोग कैसे रहते थे फोर्ट्स में, टेम्पल्स में, ठीक है। द स्टूपास एंड द टेम्पल्स बिल्ड बाय अशोका एंड देयर गुप्ता डायनेस्टी आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो जो द स्टूपास और जो टेम्पल बिल्ड किए थे अशोका अपने टाइम में एंड गुप्ता डायनेस्टी से आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये हमें हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सोर्सेज पता चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, 3 पार्ट में डिवाइडेड था, अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉइन्स। उसके बाद हमने ये इंस्क्रिप्शन कर लिया, मॉन्यूमेंट्स कर लिया, अब हम करेंगे कॉइन आर्टिफैक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। कॉइन्स आर्टिफैक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज कॉइन्स, टूल्स, वेपन, पॉट्स, स्टैचूज, सील्स, पेंटिंग एंड ज्वेलरी बिलोंगिंग टू डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। तो क्या हुआ कि ये डिफरेंट डिफरेंट पीरियड से हमें क्या क्या मिला, कॉइन्स मिले हमें, पॉट्स मिले, स्टैचू मिले, वेपन मिले, जब जो लोग उस टाइम लड़ते थे तो वेपन्स कौन से यूज़ करते थे। अब जैसे अब तो गांधी जी के नोट पे फोटो होती है, नोटों पे गांधी जी की फ़ोटो होती है। जैसे पुराने ज़माने में ये इंस्क्रिप्शन होता था कॉइन्स पे, ठीक है, और स्टैचूज होती थी, सील्स होती थी, पेंटिंग्स होती थी उस टाइम की। दीज प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ द पास्ट। तो हमें पुराने कल्चर के बारे में इन सब से पता चलता है। द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिनिसमैटिक्स। तो कॉइन की स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूमिनिसमैटिक्स बोलते हैं। कॉइन्स आर इम्पोर्टेंट एज दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द डेट्स ऑफ सेवरल डायनेस्टी एंड ऑल्सो टेल अस अबाउट द रिलीजियस एंड कल्चर प्रैक्टिस ऑफ द पीपल हु इशूड देम। तो हमें उनकी कल्चर प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है कि वो क्या करते थे, क्या खाते पीते थे, कैसे रहते थे, ये सब होता है कल्चर प्रैक्टिस। कॉइन्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द काइंड ऑफ मेटल यूज इन द पीरियड। अब जिस टाइप का मेटल, कभी किसी ज़माने में गोल्ड कॉइन होता था, कभी सिल्वर कॉइन होता था, तो अलग अलग मेटल्स के कॉइन होते थे, उससे अलग अलग पीरियड के बारे में हमें पता चलता है। आर्टिफैक्ट मीन्स वर्क ऑफ आर्ट मेड बाय ह्यूमन सच एज पॉटरी, स्टैचू, टूल्स एंड ऑर्नामेंट। आर्टिफैक्ट क्या होता है कि जो वर्क होता है ह्यूमंस के द्वारा, जैसे पॉट्स बनाना, स्टैचू, टूल्स या ऑर्नामेंट बनाना, ज्वेलरी बनाना। दीज आर्टिफैक्ट ऑल्सो गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट। तो इससे हमें कल्चर लाइफ के बारे में पता चलता है जो लोग पहले रहते थे। द स्पेसिमेन ऑफ कल्चर फाउंड बाय तक्षशिला दैट बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ कनिष्का थ्रो लाइट ऑन द ब्यूटी ऑफ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्ट। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो एक स्पेसिमेन स्कल्पचर मिला है तक्षशिला, वो किसको, किस पीरियड में बिलोंग करता है, कनिष्क, थ्रो द लाइट ऑफ द ब्यूटी ऑफ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब जो गंधारा स्कूल था उसमें इंडियन कल्चर का आर्ट बताता है, उसके बारे में हमें ये पता चलता है। ओके,